तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं मेरे दोस्तों, और इसी पर हम एक अपनी न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। वीडियो काफी शानदार बनी है तो प्लीज एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में होने वाला है कि एक अमीर और एक गरीब कैसे अपनी दिवाली बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं फुल स्टोरी। अरे बेटा राम, उठो बेटा, सुबह हो गई है, उठ जाओ अब तो। अरे सुबह हो गई पापा? हाँ बेटा, कब की हो गई है सुबह तो। अरे जाकर दुकान से कुछ राशन ले आओ ना, खाने के लिए नहीं है घर में अनाज अभी तो। क्या कुछ भी नहीं है खाने के लिए? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं है, रात का बचा था वो तुमने खा लिया था रात को ही ना, अब कहाँ से बचेगा, कुछ नहीं है। हाँ पापा, मैं ले आता हूँ खाने के लिए, लेकिन पैसे दे दीजिए ना। अरे बेटा मेरा नाम ले लेना लाला जी से, वो दे देंगे उधार। लेकिन पिछली बार भी लाला जी कह रहे थे कि अगर पैसे नहीं देंगे तो वो हमें राशन नहीं देंगे पापा। अरे बेटा दे देंगे उनको, अभी थोड़ी मंदी चली हुई है ना, और वैसे भी कल दिवाली है तो शायद बोनस मिल जाए, तो मैं उनका उधार चुका दूंगा बेटा, तुम आज लेकर आ जाना, ठीक है ना? ठीक है पापा, जैसा आप कहें, वैसे भी आपका नाम ले ही दूंगा मैं, कोई ना, अब मैं जल्दी से जल्दी राशन ले आता हूँ पापा, ठीक है ना? हाँ बेटा हाँ। और मुझे दिवाली पर गिफ्ट भी देना है इस बार, याद है ना आपको? हाँ बेटा दे दूंगा कुछ ना कुछ, जाओ अभी। चलो ठीक है। चलो यार जल्दी चलता हूँ, भूख काफी लगी है, वैसे भी राशन नहीं है ना, तो ले आना ही पड़ेगा मुझे। अरे बेटा जुविंदर, अरे उठा नहीं मेरे लाडले बेटे। उठ जा बेटे, कितना सोएगा। और अरे पिताजी आप सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो पिताजी? अरे आपको पता है ना मैं 10 बजे उठता हूँ। अरे हाँ बेटा, उठाना तो नहीं चाहता था मैं तुझे, लेकिन क्या करे, कल दिवाली आने वाली है, पता है ना तुझे? हाँ पिताजी पता है मेरे को, क्या गिफ्ट देने वाले हो फिर आप इस बार? अरे तू कह रहा था ना कि तेरी कोई कार है, वो क्या नाम है उसका, लैम्बोर्गिनी, बस उसी को ही बुक कराने के बारे में सोच रहा था मैं। बहुत बढ़िया पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे फादर हो पिताजी, शुक्रिया आपका। अरे बेटा जोगिंदर, तेरे लिए ही तो कमा रहा हूँ मैं, इसलिए तुझ पर नहीं उड़ाऊंगा तो किस पर उड़ाऊंगा, वैसे भी ये दौलत मुझे अपने साथ तो लेकर जानी नहीं है ना। सही कह रहे हो पिताजी, पिताजी लेकिन मुझे कहीं जाना है तो मैं जाकर आता हूँ, मुझे काम है ना, बाइक। हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ, घूमने जाओ, ऐश मस्ती करो। ठीक है पिताजी, बाइक तो साफ कर दी होगी ना नौकर ने? अरे हाँ हाँ बेटा, तू भी ना छोटी छोटी बातों की टेंशन। ठीक है पिताजी चलता हूँ। यार मेरा एक ही लौटा बेटा है। बस पहुंचने ही वाला हूँ चाचा जी की दुकान में, वो रहे, शुक्र है चाचा जी भी है ये आज दुकान में। अरे चाचा जी नमस्कार। नमस्कार बेटा नमस्कार। हाँ क्या चाहिए बे तुम्हें? अरे वो राशन चाहिए था चाचा जी। अरे राशन? अरे पिछला तुमने उधार चुकाया नहीं है बेटा जी, लेकिन राशन कैसे दे दूं मैं? अरे वो चाचा जी पापा कह रहे थे कि इस बार दिवाली पर उन्हें बोनस मिलेगा तो एक साथ ही आपका उधार चुकता कर देंगे, बस इसी बार दे दीजिए। अरे दे देंगे ना पक्का का? अरे हाँ हाँ चाचा जी टेंशन मत कीजिए, पिताजी बोल ही रहे थे कि वो आपका पिछला उधार भी चुकता कर देंगे और न्यू वाला भी दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे ये रखो तो, ये लो राशन, जाओ और अगली बार जरूर दे देना, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है। अरे हाँ चाचा जी ठीक है, बाय बाय। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जाओ तुम जाओ, जल्दी जाओ, और मेरा याद रखना ब्याज लगेगा। चलो यार आज तो मिल गया राशन, शुक्र है भगवान का, आज खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। अब चलो जल्दी से जल्दी ले चलता हूँ, पापा भी इंतज़ार कर रहे होंगे ना क्योंकि मेरा। अरे ये तो वही है। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई राम तुम यहाँ? अरे जोगिंदर भाई तू यहाँ कैसे? अरे भाई यार मैं तो ऐसे ही चक्कर लगा रहा था, गर्लफ्रेंड से मिलने गया था अपनी। यार तू बता तू कहाँ जा रहा है? अरे मैं कहाँ जाऊँगा भाई, मैं तो बस यहाँ दुकान राशन लेने आया था। अरे भाई और सुना, और बाइक कैसी लग रही है तेरे को मेरी, देख पिछली बार मेरे को पापा ने बर्थडे में दी थी। अरे वाह भाई वाह, न्यू बाइक काफी शानदार है रे तेरी बाइक। अरे बाइक क्या भाई, इस बार दिवाली की गिफ्ट में मेरे को पापा कार दे रहे हैं, तुझे क्या दे रहे हैं तेरे पापा? क्या कार? हाँ भाई वो भी लैम्बोर्गिनी, पता तुम्हें कितनी महंगी आती है। अरे भाई इतनी महंगी? अरे भाई तुम्हारे तो मजे है यार, और मेरा क्या भाई, मुझे तो पापा ने बाइक दिलवाने को कहा था। अरे बहुत अच्छे भाई, तुम्हारे पापा भी अच्छे हैं जो बाइक दिला रहे हैं यार, बहुत अच्छे,
तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं है तुम बाइक लेके, लेकिन तुम बोल रहे हो तो शायद ले सकते हो भाई। चलो यार मुझे जल्दी घर जाना होगा, पापा ने बोला अभी बुकिंग करवाने जाना है कार की। ठीक है भाई, कल मिलता हूँ। ठीक है भाई। अरे यार किस्मत हो तो इस जैसी। चलो अब जल्दी से चलता हूँ और पापा से बात भी कहूँगा कि कब दिलाएंगे आखिरकार वो मुझे बाइक। अरे पापा, अरे पापा। अरे बेटा तू आ गया क्या? अरे हाँ पापा, देखिए मैं राशन ले आया। अरे बहुत अच्छा, दे दिया ना। लाला जी ने कुछ बोला तो नहीं था? अरे हाँ बोला था कि अगली बार नहीं देंगे तो पैसे, तो वो भी राशन नहीं देंगे हमें। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, मैं सब पैसे दे दूंगा ना, तुम चिंता मत करो ठीक है। लेकिन पापा आप मुझे बाइक कब दिलाओगे? अरे बेटा बाइक, तुम्हें पता है हालत कैसी है। लेकिन बेटा तुम दुखी मत हो, मैं दिला दूंगा ठीक है, लोन वगैरह लेकर, चिंता मत करो, कल ट्राई करूंगा तुम्हें दिलाने की। शुक्रिया पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलवा कौन सी रही हो वैसे? अरे बेटा वो देख लेंगे, अभी कल बोनस मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दिला दूंगा ठीक है। ठीक है पापा, यू आर द बेस्ट। ठीक है बेटा मैं खाना बना लेता हूँ अब ठीक है, तुम तैयार हो जाओ खाने के लिए। ठीक है पापा जी। अरे यार अब मेरी बाइक भी आएगी। अरे भाई ले लेनी तुमने बाइक क्या आज? अरे हाँ भाई हाँ, पापा बोल रहे थे कि आज वो बाइक ले आएंगे। अरे भाई लेकिन मैंने तुम्हारे पापा को शायद अपनी कंपनी में देखा है, वो हमारे यहाँ पेन का काम करते हैं लगता है। अरे पता नहीं भाई, मुझे तो कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, अब पता नहीं तुमने शायद किसी और को देखा होगा। हाँ भाई हो सकता है ऐसा भी, तुम्हारे पापा अच्छी कंपनी में काम करते होंगे तभी तो बाइक दे रहे हैं तुम्हें खरीद कर, क्योंकि जो पेन लगे हैं उनकी तो इतनी सैलरी नहीं है कि तुम्हें बाइक ले सके भाई। सही कह रहे हो भाई, वैसे मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ भाई, बुरा मत मानना लेकिन। नहीं भाई तुम मेरा दोस्त है, जिगरी यार है, तू जो बोलेगा वो सही बोलेगा। मैं जानता हूँ कि तेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, वो तुझे हर एक खुशी लाकर दे सकते हैं, लेकिन तुझे छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश रहना चाहिए भाई इंसान को। हाँ सही कह रहा भाई, वैसे भी मुझे उस गाड़ी की जरूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा महंगी है, उससे अच्छा कोई अच्छा काम कर सकते हैं हम लोग। हाँ भाई सही कह रहे तू। अरे पिताजी पिताजी कहाँ हो आप पिताजी? अरे बेटा जुविंदर क्या बात हुई बेटा? अरे पिताजी आपसे कुछ बात करनी थी पिताजी मुझे। अरे हाँ हाँ मेरे लाडले बोल क्या बात है? पिताजी मुझे वो गाड़ी नहीं चाहिए लैम्बोर्गिनी। अरे क्या हुआ बेटे, कोई और गाड़ी या पसंद आ गई क्या? नहीं पिताजी, आप उस गाड़ी के बदले मेरा एक काम करेंगे क्या? पिताजी जो हमारे यहाँ पेन है ना बाबूलाल, उसका बेटा मेरा दोस्त है, तो उसे बाइक लेनी है पिताजी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त बाइक ना ले सके, तो कृपया करके आप उनकी सैलरी बढ़ा दीजिए पिताजी। अरे बेटे तूने पहली बार किसी के बारे में कहा है, मैं जरूर तेरा काम करूंगा। शुक्रिया पिताजी शुक्रिया। अरे जल्दी चलता हूँ, पापा बाइक ले आएंगे अभी तक। अरे पापा कहाँ है मेरी बाइक? अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था हमें बोनस मिलेगा लेकिन नहीं मिला इस दिवाली को। लेकिन पापा आप तो कह रहे थे कि मुझे बाइक ले आएंगे, फिर क्या हुआ? अरे बेटा माफ़ कर दो, और मैंने तुमसे एक बात भी छुपाई है बेटा, मैं पीएन हूँ एक कंपनी में लगा, और मैं तुम्हारी बाइक के लिए इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सका हूँ बेटा, तुम्हें पता है खर्चे कितने हो रहे हो, अभी तक मेरे उधार नहीं चुके हैं। आप एक पीएन हो? हाँ, मेरा दोस्त सही कह रहा था पापा, लेकिन अगर आप मुझे ये बात पहले ही बता देते तो मैं जिद ना करता ना बाइक की पापा। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करना चाहता हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं पापा माफी मत मांगिए, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, आपने मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए इतना खर्चा किया, मुझे महंगे से महंगे कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाया पापा, आपने मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। अरे भाई मेरे भाई क्या हो रहा है राम? अरे नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, अरे तुम तो हमारे मालिक के लड़के लग रहे हो बेटा, तुम तो वही लग रहे हो। हाँ हाँ अंकल मैं वही हूँ। लेकिन भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई यार तुझे बाइक चाहिए थी ना, इसलिए मैंने अपनी कार कैंसिल कर दी है और अंकल की थोड़ी सैलरी बढ़ा दी है, अंकल आज से थोड़ी प्रमोशन कर दी है, मैंने पिताजी को बोला था वो करवा देंगे। भाई तेरी बाइक का सपना तो पूरा हो ही जाएगा भाई, क्योंकि सपने जो होते हैं ना वो पूरे ठीक होते हैं भाई, क्योंकि ऐसे तो हम पूरे नहीं कर सकते हैं ऐसी ख्वाहिशें, और तू तो मेरा जिगरी है भाई, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
तूने मेरे पापा की सैलरी बढ़ाकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे अब बाइक नहीं चाहिए। मैं बस खुशी रहना चाहता हूँ अपने पिताजी के साथ। मुझे हाँ कुछ भाई, नहीं चाहिए। सही कह रहे तू, अपने पिता का शुक्र अदा कर भाई। वैसे तो उन्होंने बहुत एफर्ट लगाए हैं भाई, और पिता जो होते हैं ना वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते हैं, समझ रहे हो क्या? वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा हर खुशी प्राप्त करे, वो हर कुछ देना चाहते हैं अपने लड़के को, लेकिन असमर्थ होते हैं कभी कभी। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं अपने नहीं बल्कि आपके सपने पूरे करूँगा। बेटा तुम खुश तो मैं खुश,